हेलो फ्रेंड्स, आज है 19 अगस्त और आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्माष्टमी। तो बस मैं नहा कर किचन में आ गई हूँ और आज नाश्ते में मैं सबके लिए बना रही हूँ आलू की गर्मा गर्म कचौड़ी। इसके बाद दोपहर के खाने की भी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ। सब्जी में मैंने आज बनाए हैं छोले। हमारे छोले देखिए बनके तैयार हो गए हैं, कितना अच्छा कलर आया है। तब तक ये आ गए हैं, मैं इन्हें भी जल्दी से खाना दे देती हूँ। इन्हें खाना खिलाने के बाद बस मैंने भी खाना खा लिया और बस मैं शिवांश को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। शिवांश सो ही नहीं रहा, तब तक मम्मी यहाँ जाके सजा रही हैं। शाम को ही हम लोग ने मंदिर वगैरह सब साफ कर दिया था, सब कुछ मूर्ति वगैरह जो कुछ भी सफाई का था हम लोग ने शाम को ही कर लिया था। तो बस मम्मी सब कुछ सामान सही से लगा रही हैं, थोड़ा बहुत जाके सजा रही हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं इस बार हो पा रहा है क्योंकि हर साल भैया ही मेरे झांकी सजाते हैं और बहुत अच्छे से सजाते हैं, पर अभी वो फ़िलहाल घर पे नहीं है, कानपुर किसी काम से गए हुए हैं। तो बस मम्मी ऐसे ही थोड़ी बहुत झांकी जैसा उन्हें समझ में आ रहा है सजा दे रही हैं। मैं उनकी इस बार कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि शिवांश को भी संभालना है और घर पे कोई है नहीं, तो मैं शिवांश को देख रही हूँ। तब तक मम्मी झांकी सजा रही हैं।
अभी बज रहे हैं शाम के 4 और दोपहर का सारा काम खत्म हो चुका है। सिवान सो ही नहीं रहा है। अभी तक मम्मी ने ली हुई थी तो मैं काम कर रही थी, अब मैंने ली हुई तो बस मम्मी पूजा के प्रसाद की तैयारी करने जा रही है। यहाँ मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ, सबसे पहले गैस वगैरह अच्छे से साफ कर लेती हूँ ताकि मम्मी आराम से प्रसाद बना लें। खाना बनाने के बाद गैस में काफ़ी कुछ फैल जाता है तो प्रसाद बनाने के लिए अच्छे से सफाई कर दे रही हूँ मैं। प्रसाद बना रही है, तब तक मैं मेवा काट ले रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है। पांच तरह के मेवा पड़ते हैं तो मैं ये गोले काट ले रही हूँ। हमारे यहाँ इसकी पट्टी वगैरह भी जमती है पंच मेवा की, देखते हैं मम्मी प्रसाद में क्या क्या बनाती है। मम्मी पंजीरी बना रही हैं प्रसाद के लिए और गुनगुनाती जा रही हैं, क्या गा रही हैं आप लोग भी सुन लीजिए। यहाँ मम्मी पाक में पंचमेवा पका रही हैं प्रसाद के लिए। मेरे मायके में तो नहीं बनता था बट यहाँ पर ये भी बनता है। फिर बारी आती है मालपुओं की, मम्मी बना रही हैं भोग के लिए मालपुए। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था देख के आखिर मम्मी बना क्या रही हैं, मुझे लगा गुलगुले बना रही हैं तो मैं वेट कर रही थी। फिर जब मैंने देखा कि ये पूड़ी जैसे बन जाए, मैंने मम्मी से पूछा मम्मी ये क्या बना रही है, मम्मी ने कहा ये मालपुए बन रहे हैं।
मैंने बस सुना ही था मालपुए, पर देखा नहीं था कैसे बनते हैं। आज फर्स्ट टाइम देखा और शायद मैं तो कभी बना भी ना पाऊँ, बहुत ही कठिन है। मैं मम्मी से मालपुए बनाना ज़रूर सीखूंगी, बहुत ही ज़रूरी है। मुझे तो इतना कुछ नहीं आता, मम्मी को काफ़ी कुछ आता है, बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी मुझे। झांकी हमारी पूरी तरीके से सच के तैयार हो चुकी है। और ये तैयार किया है मम्मी ने जन्माष्टमी का प्रसाद। प्रसाद में बनाया मम्मी ने पंजीरी, चरणामृत और ये पंचमेवा मालपुआ। देखिए मैं अपने जो मेरे आंगन में बगिया लगी है, मैं उससे कितने सारे फूल तोड़ के लाया हूँ, सब कितने रंग बिरंगे हैं। बस मैं इसके इन सब की माला बना लेती हूँ शाम के लिए। रात के बज चुके हैं 11 और मैं तैयार हो गई हूँ, डिपू सो गया है और बाकी सब लोग भी तैयार हो रहे हैं। सब कोई 12 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब टाइम हो और कब हम लोग श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाएं।
फाइनली पूजा हो चुकी है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। बस अब मैं भी प्रसाद ख़त्म करके बस जा रही हूँ सोने। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी।